हेलो गाइज, मेरा नाम है शिवांकर। आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। और यार, आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि यार अपनी जो वेबसाइट है उसके लिए जो आर्टिकल लिख रहे हो या किसी से ले रहे हो वो कॉपी कंटेंट है या नहीं है। तो उसको चेक करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और दो वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप अपनी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चेंज कर चेक कर सकते हो और अपना एक्यूरेट रिजल्ट ले सकते हो कि अरे कॉपी है या नहीं है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हम चैनल पे ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं तो इस तरीके की वीडियोस आपको देखने को चैनल पे मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी इशू आता है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, @shivahinditech1 करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए डायरेक्टली चलते अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये मिल जाता है जिसका नाम है डुप्ली चेकर। तो ये जो कंटेंट चेकर है ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से अब काम करता है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। लेकिन इससे भी एक बेहतर है जो मुझे लगा कि यार वो भी आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें मैं आपको किसी वेबसाइट का, सपोज मैं एक न्यूज़ वेबसाइट खोल लेता हूँ, हमने आज तक खोल लिया और आपको पता है कि न्यूज़ वेबसाइट में कॉपी 100% होता ही होता है। मतलब कि जो उसमें न्यूज़ होगी कहीं ना कहीं से उठाई होती है तो कॉपी के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं, इसी को खोल लेते हैं। तो इस आर्टिकल के हम पहले पैराग्राफ को कर लेते हैं, पहले और दूसरे पैराग्राफ को कर लेते हैं कॉपी, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, ये हिंदी पे है फिलहाल, मैं अभी आपको हिंदी का करके दिखाता हूँ, फिर इंग्लिश पे भी हम चलेंगे। तो अभी आप देख सकते हो, तो मैंने आर्टिकल डाल चुका है। इसमें आपको लिमिट मिलती है 1000 वर्ड्स की, यानी कि अगर आप एक सर्च करते हो, एक चीज़ चेक करते हो तो आपको लिमिट मिलेगी 1000 वर्ड की। और यहाँ पर आपको दिखा देता है कि आपके जो वर्ड्स है वो है 179। ठीक है, तो हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। चेक प्लेग्रिज्म में क्लिक करने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। मैं एक तरफ खोल देता हूँ आज तक इंग्लिश में, तभी आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश में भी खुल चुकी है। और मैं आपको दोनों दिखाने वाला हूँ कि आपको ये चीज़ पता कैसे करनी है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे स्कैनिंग हो रही है, आप देख सकते हो इसमें प्लेग्रिज्म है, 64% इसमें प्लेग्रिज्म है। और यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से उठाई गई हैं या आई है। देखिए, तो आज तक इंडिया में ये चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर आपको कोई कंटेंट लिख कर दे रहा है वो अगर आप चेक करोगे तो आपको सीधे सीधे पता चलेगा कि ये कंटेंट कहाँ से कॉपी किया गया या चुराया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं, अब एक इंग्लिश कंटेंट को भी उठा के ले लेते हैं हम। सपोज़ मैं इसी को ले लेता हूँ, मूवमेंट इसको इंग्लिश में है ये। ओके, ये हो चुका है यहाँ पर। हम इसके पहले पैराग्राफ को ले लेते हैं, पहले दूसरे पैराग्राफ को ले लेते हैं, यहाँ पर तक पूरा बाउलिंग तक। ठीक है, तो हमने इसे ले लिया, कॉपी कर लेते हैं। सेम चीज़ करते हैं हम यहाँ पर। अभी आप देख सकते हो, तो अगर आप इतना हाई प्लेग्रिज्म वाला आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर डालोगे तो आपके लिए लॉस है। तो हम नया कर लेते हैं, एक इंग्लिश में करके देख लेते हैं। करते हैं यहाँ पर पेस्ट और इसे कर लेते हैं इसका मूवमेंट। यहाँ पे अभी लोडिंग दिखा रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वेबसाइट थोड़ी सी हैवी है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। एड्स भी काफ़ी सारे हैं तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, ताकि उनकी जो बाउंस रेट है वो कम बने हुए हैं, जिससे उनकी वेबसाइट की रैंकिंग पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। विदेश से तो चेक प्लेग्रिज्म पर हम क्लिक करें तो हम यहाँ पर से इजीली देख सकते हैं। अभी देख सकते हो ये स्टार्ट हो चुका है प्रोसेसिंग, बस की प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपको ये है कि यार आपको कंटेंट चेक करने के लिए मिल जाता है। अब जो मैं दूसरी वेबसाइट बताने वाला हूँ उसमें आप 190+ लैंग्वेजेस को चेक कर सकते हो। तो अभी हम इसमें भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितना प्लेगरिज्म है और कितने परसेंट ये यूनिक है। तो आप देख सकते हो 44% प्लेगरिज्म है और 56% यूनिक है। तो ये डाटा कहाँ से उठाया है, ये वाला है देख सकते हो, डेली हंट से, न्यूज़ क्रिप से ये वाली लाइनें उठाई गई हैं, तो ये चीज़ भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी बात। अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल, सपोज़ आपको कोई आपका कोई कंटेंट लिख के दे रहा है तो आपको पीडीएफ फाइल में भी दे सकता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके, ये फॉर्मेट है .txt, .txt, .doc, .docx, .opt और pdf, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको सिर्फ फाइल अपलोड करनी है, चेक प्लेग्रिज्म करना है और आपका कंटेंट चेक हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी पहली वेबसाइट जहाँ से हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। अब अगर सपोज आपको दोबारा रिवेरीफाई करना है कि भाई ये सही है या नहीं, तो उसके लिए ये वाली वेबसाइट है प्लेग्रिज्मा। ठीक है, तो इसको चेक करना है और इसमें यहाँ पर आप पढ़ सकते हो पेस्ट योर टेक्स्ट हेयर। तो
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 190 प्लस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और यहाँ पर गूगल और बिंग जिस पे आपको देखना है, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट बिंग मिलेगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। आपको यहाँ पर जाना है, सेम चीज़ कर लेते हैं, इसे उठा लेते हैं कॉपी और इसको कर लेते हैं पेस्ट, और यहाँ पर एग्जैक्ट सर्च पे टैप करके ये रिजल्ट सर्च कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसमें इन दोनों में साइन इन करके करते हो तो आपको थोड़े से फीचर्स और मिल जाते हैं, लेकिन साइन इन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप साइन इन ना करें और डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो, बात वही मिलेगी, रिजल्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता। जो प्लैगरिज्म कंटेंट है वो प्लैगरिज्म ही रहेगा, वो कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हो। तो इन दोनों की प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यार ये डाटा पूरा चेक करते हैं उसके बाद ही आपको रिजल्ट देते हैं। तो अभी देख सकते हो ये चेक हो रहा है, अभी ये मेरा पहले का है तो मैंने चेक किया था, फिर उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ। तो अभी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है चेक। अगर आप इसे डायरेक्टली यहाँ से चाहते हो तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये लाइंस यूनिक है, और जो मैच किया है 34 वेबसाइट से मैच किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वो वेबसाइट्स के नाम आप देख सकते हो, NDTV से कॉपी है, MSN.com से कॉपी है, Hindi.sakshi से कॉपी है, Bhaskar.com, तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 34 वेबसाइट से लिया गया है इस डाटा को। ठीक है, यानी कि हिंदी वाली जो मैंने बताया, तो यहाँ से आपको और भी ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर 26 दिखा रहा है, लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। जब आप इसके अंदर साइन इन कर दोगे तब आपको और भी डिटेल में सारी वेबसाइट्स दिखा देगा जहाँ जहाँ से डाटा कॉपी है। अब यहाँ देख सकते हो ये दिखा रहा है, ये वाली लाइन कॉपी है, रेड करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपका कंटेंट 100% यूनिक है, या अगर आपको 100% यूनिक नहीं मिल पा रहा है, तो एटलीस्ट आपका कंटेंट 95% यूनिक तो होना ही चाहिए। तो बस यार यही सब कुछ था जो मुझे लगा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, और मैंने आपको वो चीज़ें बता दी है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।